विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में 14 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के नए केसों की संख्या 2 लाख के नीचे आ गई है। रविवार की तुलना में सोमवार को मौत के आंकड़े में भी करीब 1000 की कमी आई है। कल देश में 1,95,685 नए केस मिले, जबकि 3,496 लोगों की मौत हो गई। कल 3,26,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। राहत की खबर ये भी है कि देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 25,81,000 हो गई है। कोरोना संकट के बीच देश के सामने ब्लैक फंगस नई मुसीबत बन गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 5,424 ब्लैक फंगस के केस हैं। इसमें से सबसे ज्यादा गुजरात में 2,165 केस है, जबकि महाराष्ट्र में 1,188 मरीज है। उत्तर प्रदेश में 663 ब्लैक फंगस के मरीज है। अकेले लखनऊ के KGMU में 135 मरीज भर्ती है। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 44 साल वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होने की आशंका को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अब तक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोई गंभीर संक्रमण होने की आशंका कम है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होगी उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में कई गलतफहमियां हैं। उन्होंने साफ कहा कि ब्लैक फंगस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोग या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन पर इस फंगल इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। रंग के आधार पर एक ही फंगस को अलग अलग नाम देने से उलझन हो सकती है। अभी जो फंगस चर्चा में है वो म्यूक्रोमाइकोसिस है। बच्चों के कोरोना का टीका तैयार करने के लिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक जून महीने में बच्चों के टीका का ट्रायल शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक को हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 से 18 साल उम्र के बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी मिली थी। कंपनी ने कोवैक्सीन के अब तक के नतीजे पर संतोष जताया है। अमेरिका में 12 से 15 साल के किशोरों को टीका दिया जा रहा है। मॉडर्ना के बाद कोरोना की टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी राज्य को सीधे टीका देने से इनकार कर दिया है। फाइजर ने कहा कि वो सीधे भारत की केंद्र सरकार को ही वैक्सीन की सप्लाई करेगी। फाइजर ने पंजाब और दिल्ली को सीधे टीके की सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले मॉडर्ना ने पंजाब को सीधे वैक्सीन देने से मना कर दिया था। अब केजरीवाल सरकार ने केंद्र से विदेशी कंपनियों से बात कर वैक्सीन राज्य को देने की अपील की है। अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक पीटर हॉटेज ने भारतीय वैक्सीन की जमकर तारीफ की। पीटर हॉटेज ने एक वेबिनार में कहा कि दुनिया में कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारतीय वैक्सीन की बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने कहा, वैश्विक महामारी से निपटने में भारत के बड़े योगदान के बारे में दुनिया को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पीटर हॉटेज ने कहा कि भारतीय वैक्सीन ने दुनिया को वायरस से बचाया। कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल कराने के लिए भारत बायोटेक ने 90% डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल की तीसरे या चौथे क्वार्टर तक WHO से कोवैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को कुछ देशों में एंट्री नहीं मिल सकेगी। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एक और वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो गया है। भारत में उत्पादन शुरू होने से टीके की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। स्पुतनिक वी भारतीय दवा उत्पादक कंपनी पैनासिया बायोटेक के साथ मिलकर इसका उत्पादन कर रही है। स्पुतनिक वी सालाना 10 करोड़ टीके का डोज तैयार करेगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक वी भारत में इस्तेमाल हो रही तीसरी वैक्सीन है। महानगर निगम पालिका कर्मचारियों की बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए सोमवार को एक किशोर की 20 सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पे लोग BBMP को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। BBMP के मुख्य आयुक्त ने भी खेद जताते हुए जांच का भरोसा दिया है। इस पिटाई के बाद कोरोना टेस्ट सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण को काबू के लिए नीतीश सरकार ने एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। बिहार में अब 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कल नए केस घटकर 3,000 के नीचे आ गए हैं। सोमवार को राज्य में 2,844 नए केस मिले, जबकि 93 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को भी लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी है।